वेलकम बैक टू क्रेविंग्स 24/7। तो आज हम आ गए हैं एक जूस सेंटर पे, और ये कोई नॉर्मली जूस सेंटर नहीं है। यहाँ पे आपको मिलेगा एलोवेरा का जूस, करेले का जूस, नारियल का जूस। तो ये जूसेस काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के हैं, प्लस आपको अंकुरित चने, मूंगफली या फिर अलग अलग टाइप की मोठ, ये सब चीज़ें भी मिलेंगी। तो चलते हैं उनके पास, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या है उनके पास, और द बेस्ट पार्ट, हर चीज़ ट्राई करेंगे, यानी सारे जूसेस, फिर चाहे वो करेले का हो, एलोवेरा का हो, सब कुछ ट्राई करने वाले हैं। ये जगह खोली है गायत्री परिवार ट्रस्ट वालों ने, उनकी एक पूरी टीम है जो आपको हेल्दी जूसेस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रही है। मैं रोड पे शूट कर रही हूँ तो हॉर्न्स की आवाज़ आएगी, आई कांट हेल्प। चलते हैं उनके पास, उनसे पूछते हैं, तो इसी बात पे करते हैं इस वीडियो को चालू। तो हम लोग ये वाला जूस पी रहे हैं, उन्होंने हमें नाम भी नहीं बताया कि काय का जूस है। ओके, ये हनी लेमन है। चलो, आई एम एक्सपेक्टिंग इसका टेस्ट अच्छा होगा, देखते हैं। ये हनी लेमन का जूस है, इसको ट्राई करते हैं। सारे जूसेस ट्राई करेंगे, तो पहले इससे स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप अच्छा हो। ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा अच्छा। बाकी स्नेहा भी पिएगी, जितने जूसेस हैं हम दोनों मिलके इसको पीने वाला है, तो उसको भी पता चले कैसा टेस्ट है। ये वाला अच्छा है, ये ट्राई करने लायक है। अच्छा है, हाँ, फिनिश कर दो, फिनिश करो, फिनिश 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 करो, फिनिश, हाँ फिनिश कर लो। लेमन हनी अच्छा ही टेस्ट है दोनों का। देयर वी गो, हमने एक जूस फिनिश कर लिया इनमें से, बाकी देखते हैं। बारा का जूस है, ये वाला एलोवेरा, नारियल, चुकंदर जूस, आंवले का जूस, नाइस, गाजर का जूस। ये आप क्वांटिटी में देख सकते हो, ये प्रोबेबली बहुत अच्छा है, इसकी क्वांटिटी बची नहीं है ज़्यादा। ये वाला है लौकी का जूस, डैम, ये था जो हमने ट्राई किया है, हनी लेमन, और ये है करेले का। ये स्नेहा को ट्राई कराएंगे पहले, क्योंकि ये वाला मैंने ट्राई किया हुआ है। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना जो भूल गई हूँ, वो है ये, मतलब एक तो वो ये पेपर वाले कूपन्स रखते हैं, और सेकंड थिंग जो वो कप देते हैं, अभी तो दे दिया, जो कप देते हैं वो भी पेपर कप होता है। तो अल्टीमेटली सेविंग द एनवायरनमेंट, प्लास्टिक का कुछ भी यूज़ नहीं करना, प्लस इतने हेल्दी जूसेस, दैट टू इन ₹10। तो अभी हम लोग एक अंकुरित चने और मूंग और उसमें काफ़ी कुछ मिला हुआ है, वो भी ट्राई करते हैं। तो पहले सब जूसेस ट्राई करते हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद वो अंकुरित चने वो भी बताते हैं। तो जो सेकेंड जूस हम ट्राई करने वाले हैं वो है ज्वारे का जूस। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बोला इसमें खास कोई स्वाद रहता नहीं है, तो पीते हैं देखते हैं। मैं हर जूस पहले खुद ट्राई कर रही हूँ, फिर वो जूस नेहा को दे रही हूँ, उसको सब कुछ पता चलेगा कि वो क्या पीने वाली है, कैसा टेस्ट है, आपको भी बताती हूँ साथ साथ। पानी जैसा है, लास्ट में ज़रा सा स्वाद आ रहा है, बट नहीं, पानी जैसा है। स्नेहा को ट्राई कराएंगे ऐसे ही। देयर यू गो, पियो पियो, यस, एक बार में पी जा, कुछ नहीं उसमें। बोलो, पी लो, पेपर कप, लास्ट में आ रहा है ना, ठीक है। आप बताओ, आपने कैसे, मतलब ये स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया? ये गायत्री शक्ति पीठ जो विदिशा में है, ये सारी जगह ऑल इंडिया में है, और ये सुविधा सारी जगह पर है, भोपाल, बड़ी बड़ी सिटी में। लेकिन विदिशा अपना बड़ा तो है, लेकिन इस मामले में थोड़ा पीछे था, इसकी सुविधाएं यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही थी। तो हम लोग ने सोचा कि यहाँ के लोग भी पीछे क्यों रहे, इस कारण हमने ये सुविधा यहाँ पर भी दी। इसमें जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो तो जूस नहीं पी पाते हैं ना, तो इसलिए हमने इसके ₹10 रखा है, जो गरीब लोग, अमीर लोग और मीडियम, सभी लोग इसको पी सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए हमने ये सुविधा अपने विदिशा में भी चालू की है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रश्मि द्विवेदी। और आप इसके अलावा भी कोई और काम करते हो? नहीं, पहले तो मैं, मेरा वैसे पार्लर है, और मैं पहले टीचर थी, और अब ये अपने समाज सेवा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। तो जो नेक्स्ट हम ट्राई करने वाले हैं वो है अंकुरित चने, और इसमें क्या क्या मिला हुआ है? अंकुरित चने हैं, मोठ है, मूँगफली है, ये सब चीज़ें हैं अंकुरित।
तो ये सब चीज़ें ट्राई करते हैं। और हम ये क्यों ट्राई कर रहे हैं जूस के बाद, उसका रीज़न ये है, उन्होंने हमें बोला है कि 5-10 मिनट आपको एक जूस, 5 मिनट तो रुकना ही पड़ेगा एक जूस के बाद दूसरा जूस ट्राई करने के पहले। तो हम ये खाने वाले हैं अब। ये खाते हैं और बताते हैं कैसा है ये भी। देखो ये अपन सब घर में भी खाते हैं तो पता होगा। उनने ना मसाले भी रखे हैं, वो आपको नॉर्मल दे देंगे, जो मसाले पसंद आए डालो और इन्जॉय करो। 10 रुपये में ये बेस्ट है। तो अब हम एलोवेरा का जूस ट्राई कर रहे हैं। एज़ यूजुअल आधा मैं पीऊँगी और आधा स्नेहा भी पिएगी। तो ये काफ़ी ना ऐसा चैलेंजिंग सा वीडियो हो रहा है। पहले में स्वाद नहीं है, अंदर गया तो आया। कम छोड़ा है मैंने तेरे लिए। There you go. You have to go for it. एक घुट में पीजा नहीं है उसमें इतना कुछ। How you feeling bro? क्या नहीं है इसमें। तो अब मैं ट्राई कर रही हूँ चुकंदर और गाजर को मिला के। तो आई एम होपिंग कि ये वाला अच्छा होगा, घर में भी ये वाले तो ट्राई किए हैं। तो ये अच्छा है, मतलब बिल्कुल सादा सिंपल टेस्ट, जैसे अपन नॉर्मल फ्रूट्स खाते हैं वैसे ही टेस्ट है। ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा सच्ची अच्छा है। लो अच्छा वाला, अच्छा एक घुट में पिज्जा यार। किसी भी गाजर वाला टेस्ट है इसका और ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ इसमें नमक डाल के और अच्छा टेस्ट आएगा शायद, आंवला में डालेंगे नमक। सुपर्ब, बहुत अच्छे लग रहे हैं अभी तक तो, अच्छा ही लगा, बुरा कोई सा भी नहीं था, उतना बुरा कोई नहीं था। करेला आखिरी में आएगा, जब करेला आएगा तब बताएंगे एक्चुअल यू विल सी। तो अब हम ट्राई कर रहे हैं आंवले का जूस, आंवला ना। ऐसा स्नेहा बोल रही है कि काफ़ी खट्टा खट्टा सा अच्छा सा होगा, बट पी के पता चलेगा। अब भीड़ भी आना चालू हो गई क्योंकि वैसा वाला टाइम हो गया। क्या है, बेकार है। आंवले के अलावा कोई और चीज़ का भी टेस्ट है क्या बताओ? नहीं, इट इज़ नाइस, इट्स नॉट गुड। मतलब इट इज़ वेरी सिंपल खाना, इसमें अदरक का स्मेल है। आई हेट अदरक एक्चुअली। इसमें उनने नमक डाल दिया हमें, ये है लौकी का। ठीक है, करें लौकी का ट्राई, पहले आप करेंगी? ठीक है, तो स्नेहा ट्राई करके बता रही है, स्नेहा ट्राई कर रही है लौकी का। अरे बस भाई, पागल हो गई है क्या? उसने बहुत सारा नमक डाल लिया इसमें, अब मुझे नहीं पता क्या टेस्ट होगा। इट्स नाइस, नमक डालने के बाद इट्स वेरी नाइस। मैं ये लौकी का है, इसे नमक डाल दिया बहुत सारा, खूब क्या लुकिंग लुकिंग यार, बताओ। हरी मिर्च, पुदीना और बोलते बीपी के लिए काली मिर्च के फायदे, काली मिर्च। हाँ आप बताओ बताओ। लौकी में काली मिर्च, सेंधा नमक और पुदीना, इसके फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है और इसके फ़ायदे बहुत हैं। डॉक्टर के अनुसार जो बीपी वाले लोग रहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए लौकी का जूस पिया जाता है। देखो हमें तो बीपी बीपी कुछ भी नहीं है, बट हम सब ट्राई कर रहे हैं सब। हमें अब कोई भी आज के दिन के बाद हमें कोई बीमारी नहीं होने वाली, हमने सब ट्राई कर लेना है। डरते हैं, हमने इसमें नमक मिला है, वो लोग नमक भी कम डाल रहे हैं, इसलिए जिससे अगर आपको सही में बीपी की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको पियो और आपको
बेटर फील होगा, डेफिनेटली बीपी कंट्रोल होगा। तो करो ये सब चीज़ें ट्राई कि नमक के साथ अच्छा लग रहा है, अगर आप नॉर्मल हो तो आप नमक के साथ पियो। तो अच्छा इसमें दूध दूध ऐड कर दिया। 10 रुपए का प्राइस रखने का आइडिया कहाँ से? हमारे संस्थान गायत्री शक्तिपीठ भोपाल पर भी 10 रुपए का है। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, ये आप घर पे बनाएंगे तो 50 से 60 रुपए में बनेगा। हमारा उद्देश्य है लोगों को स्वास्थ्य देना, और स्वास्थ्य देना लगभग मुफ्त के भाव स्वास्थ्य दे रहे हैं आपको जी। ये हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। अगर घर बनाएंगे तो 50 रुपए में ग्लास नहीं बन पाएगा, ये 10 रुपए में दे रहे और प्योरिटी दे रहे। मुश्किल है, बाजार में केमिकल और एनिमल की मेडिसिन मिल रही है, यहाँ ना केमिकल है ना एनिमल है। और गिलास कौन से यूज़ कर रहे हैं? पेपर वाले जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। ये गिलास यूज़ कर रहे हैं आपको जी। कहीं मिलने वाला कहीं नहीं मिलने वाला, कोई देने वाला कोई नहीं देने वाला। 10 रुपये में हम आपको स्वास्थ्य दे रहे हैं जी। कभी नहीं मिलेगा ऐसा बेटा दे रहे हैं आपको। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सबसे पहले निरोगी काया। क्यों कहा है? सबसे पहले हेल्थ क्यों कहा है? अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो यू कैन कम हेयर, आप कैसी यू कैन नॉट कम हेयर, आप यहाँ आ नहीं सकते, बिस्तर पे होंगे, स्वास्थ्य खराब हो। अरे ये ब्रांड पीजिए, 11 ब्रांड जो हम आपको दे रहे हैं, ये ब्रांड पीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। रात वाला ब्रांड पिएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे और आपका ग्रस्त, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और संदेश जो आप देना चाहें लोगों को? हम संदेश जानते हैं कि आप सारा छोड़ के इसको पीजिए, अपने रोग के अनुसार पीजिए, अपने स्वास्थ्य के अनुसार पीजिए, और चाय को छोड़ दीजिए, गुटके को छोड़ दीजिए। आप नहीं छोड़ोगे तो हमारे रस आपको छोड़वा देंगे। बढ़ा दिया, कब से चालू किया है ये? हमने किया है 3 तारीख को, 3 अप्रैल से, 3 अप्रैल चालू किया है, और सफलता के साथ आज 13वां दिन है। सफलता के साथ स्टार्टिंग से हमारी ऐसी चल रही थी, अभी 2-3 दिन पहले तो यहाँ जाम लग गया था, इतनी भीड़ थी। लोग समझेंगे तो इसी को पिएंगे, जो ना समझेंगे वो उसी को पिएंगे। टाइमिंग क्या है आपकी, एक बार सबको टाइमिंग बता दीजिए। टाइमिंग सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, शाम को 6 बजे से 9:30 बजे तक। आप सब संडे को भी खोलते हैं? संडे को भी खोलते हैं। हमारे ये हमारे ट्रस्टी है, मुख्य ट्रस्टी है, ये भी हमारे मुख्य ट्रस्टी है, ये भी हमारे सब लोग इसमें लगे हुए हैं। ये चाहते हैं कि सब लोगों को हेल्थ दें, स्वास्थ्य बाढ़ दें, स्वास्थ्य संवर्धन हमारे गुरुदेव का स्लोगन है, उस स्लोगन पर चल रहे हैं हम लोग। और अंदर एक्यूप्रेशर पार्क भी है, आपको बीपी ठीक करना है तो हमारे पास मशीन चेक करने की भी है, आपका बीपी चेक कर लेंगे, 4 राउंड लगवा देंगे, एक्यूप्रेशर पार्क है, आप बीपी नॉर्मल हो जाएगा। वी आर लाइव इन नेचर, तभी तो कह रहे कण कण में भगवान क्यों है कि प्रकृति जो है वो भगवान है, और भगवान आपके अंदर ही है। अगर भगवान नहीं है, थैंक यू सो मच। तो अब जो मैं जूस ट्राई कर रही हूँ वो है नारियल का। मैं वैसे नारियल और करेले दो जूसेस ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ, बट आप लोग के लिए एक बार और इसको ट्राई करते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, उनमें इस पर मतलब मेरे को तो दूध का टेस्ट आता है, मुझे भी क्लियरली नहीं पता इसमें डलता है या नहीं, बट दूध का टेस्ट आता है। और ये मेरे ख्याल से हर बच्चा भी पी सकता है, ये वो वाले जूसेस नहीं है जो आपको ऐसे लगे यार टेस्ट अच्छा नहीं है। तो बताओ दूध का टेस्ट है अच्छा है ये वाला, तो काफी सब पी सकते हैं। दूध इलायची का टेस्ट हाँ। हम उनसे पूछते भी हैं कि इसमें क्या क्या डाला है उनने। हमारे माँ भगवती जूस सेंटर पर गायत्री मंदिर पर ये नारियल का जूस है, इसमें हम नारियल प्लस इलायची डाल करके तैयार करते हैं। मात्र 10 रुपये इसकी कीमत है, और आइएगा, स्वागत है सभी विदिशा वासियों का, आकर के जूस पीए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए, अपने तन को ठीक रखिए, अपने मन को ठीक करने के लिए माँ गायत्री की साधना करिए, आपका बुद्धि का विकास होगा। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, गायत्री मंत्र से हमारे बुद्धि का विकास होता है, सद्बुद्धि आती है, और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास गायत्री परिवार में होता है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए गायत्री परिवार सेवा में तत्पर रहता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ आकर ये वीडियो तैयार किया, सभी को बताइएगा, थैंक यू। आप बहुत पहले से पी रहे हो? मैंने जब से स्टार्ट हुआ तब से मैंने पी रहा हूँ, जैसी जानकारी मिली मेरे को। आप अभी कौन सा पी रहे हो? अभी मैं लौकी का जूस पी रहा हूँ। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये शुद्ध बिना मिलावट के एज इट इज वो निकाल के और अपना दे रहे हैं। और आपने कौन कौन से जूसेस ट्राई कर लिए ऑलरेडी अभी तक? मैंने करेले का, लौकी का, नारियल का, नींबू का, चुकंदर का और गाजर का।
तो आपने बताया आपने भी सारे किए, एलोवेरा नहीं किया, एलोवेरा नहीं किया, डेली में सुबह एक टाइम कलेरे का पीता हूँ, एक टाइम लौकी का पी रहा हूँ। अच्छी बात है, आप एलोवेरा भी ट्राई करना, बहुत अच्छा है वो। अच्छा आप कलेरोवेरा पियेंगे? मतलब आपने करेला पिया तो करेला के सामने तो एलोवेरा कुछ नहीं। हाँ नहीं, वो क्या है जैसे एज फैक्टर होता है आज की स्थिति में, जैसे जी रहना जो भी हो शरीर में, तो आप हम लोगों के लिए मैंने यही अच्छा है। हाँ, करेला। अब जैसे मैं अपने बालक के लिए ले जा रहा हूँ, तो वो जैसे चश्मा लगाता है तो उसके लिए एज क्या कहते हैं, गाजर का सही है, तो चुकंदर और गाजर का और आंवला का भी आँख के लिए फायदा करता है। आंवला और डाल दो किसी में मिला दो सब मिक्स कर, तो ये चीज अपन पियेंगे तो अपन डॉक्टर से दूर रहेंगे और रहना भी चाहिए। आप चाय पीते हो क्या? आप नहीं पीते? चाय बहुत कम कर दी, अब सुबह यहाँ आ जाता हूँ 7:30-8:15 बजे, 7:30-8 बजे करीब मैं यहाँ आ जाता हूँ, जैसी खुलती पिया टहलते टहलते और फिर नारा धोना अपने ऑफिस, चाय छूट गई। और कभी कभी सुबह और शाम दोनों टाइम। आप लोगों को रिकमेंड करना चाहोगे कि आए यहाँ पे? बिल्कुल, अपन तो बहुत कहते हैं, कई लोगों को लाता भी हूँ मैं, चलो मेरे साथ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। ये आप लोग जो आपके चैनल के माध्यम से ये माँ भगवती जूस सेंटर पे इसका कवरिंग कर रही हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि गायत्री परिवार ट्रस्ट द्वारा इस जूस सेंटर को चलाया जा रहा है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से किया जा रहा है। इसमें चिंतन ये विचार ये है कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, और जो लोग चाय या दूसरी चीज़ें लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, उन कोल्ड ड्रिंक से इसके बचाव के लिए ये बिल्कुल फ्रेश 100% प्योर शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। इसमें किसी तरह का फ़ायदा लाभ नहीं लिया जाता है, ये लागत मूल पे ही लोगों को उपलब्ध किया जा रहा है। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ युवा पीढ़ी को कि जो स्पोर्ट में हैं, जो जिम जाते हैं, जो खेलते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक छोड़ के अपना प्योर जूस जो यहाँ पर उपलब्ध है मिनिमम लागत पे, उसको पिएं और अपना स्वास्थ्य बनाएं, और जो लोग यहाँ पर व्यापारी वर्ग हैं उनको भी इसका सेवन करना चाहिए। निश्चित रूप से जो दिन भर काम करते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक में जूस का इस्तेमाल करें, स्प्राउट का इस्तेमाल करें, उनके सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। तो हम लोग अब पी रहे हैं दोनों करेले का जूस। आई विल जस्ट शो यू वंस कि ये करेला है। करेले का जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की तरह इससे हटके करेले का जूस पी रहे हैं बच्चे। तो करेले का जूस पी रहे हैं हम लोग। स्टार्ट रखो। ज्वारे जैसी स्मेल आ रही है, पता नहीं। ठीक है, बिना नमक कुछ भी, बिना कुछ भी मिलाए ये साथ में पियेंगे, जो पहले पी लेगा वो जीत जाएगा। काइंड ऑफ एक चैलेंज है ये। ठीक है, रेडी? 1, 2, 3। फिनिश हो गया। अरे फर्स्ट मैं एक बार पी चुकी हूँ करेला, अच्छा लग, मतलब अच्छा तो क्या मतलब, हाँ वो पीने लायक है, ऐसा नहीं है पी नहीं सकते। कैसा लगा? स्नेहा से पूछते हैं कैसा लगा, क्योंकि मैं ये पी चुकी हूँ एक बार। बताओ कि मेरी आँख में से आंसू आ गए। बताओ कैसा लगा? अच्छा है, पीने लायक है। हाँ पी सकते हैं, हेल्थ के लिए कुछ भी, हेल्थ के लिए कुछ भी। हम लोग वैसे इतना अनहेल्दी खाते हैं तो अब ठीक है, मतलब बुरा तो ऑब्वियसली वो करेला कड़वा होता है, लेकिन हेल्थ वाइज देखा जाए तो पी सकते हैं, इतना ज़्यादा कोई गंदा नहीं है। हमने पी लिया तो आप भी पी सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। हमने सारे जूसेस आपको बता दिए क्या क्या है, अंकुर जो चने थे, मूंग वगैरह सब उसी में मिला हुआ था, मतलब वो सब कुछ हमने ट्राई किया, वो भी आपको बता दिया है। उनने अलग से नमक वगैरह भी रखा है अगर आप ऐसे नहीं पी पाओ तो, क्योंकि चाहे तो हम भी मिला सकते थे, बट हमें बिल्कुल नॉर्मल ट्राई करना था, हमें थोड़े ज़्यादा गट्स हैं। और हर चीज़ सिर्फ 10 रुपये में, तो उनका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है इसमें, तो डेफिनेटली कमेंट रहा है आपका प्रॉफिट है इस चीज़ में। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ Cravings 24. See ya!